हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। बोले बोले सर, आप सर? मैं हूं संभागीय अध्यक्ष मोटर मजदूर यूनियन शहडोल। जी बताएं सर, नाम आपका? मेरा नाम है तेजवली शर्मा, मोटर मजदूर यूनियन शहडोल। जी, जितना मेहनत हमारे ड्राइवर और क्लीनियर करते हैं, जी, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। ये जो मुख्यमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पधारे हैं, जी, 3 दिन से हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे ड्राइवर, जी, खाना तक नहीं खाए हैं। 3 दिन से परेशान हैं, उनको लिए कोई धन्यवाद तक नहीं दिया गया, ना पुलिस को धन्यवाद दिया गया, ना हमारे ड्राइवरों को। जी, और हमारे ड्राइवर के द्वारा पूरी मध्य प्रदेश की रैली, मतलब यहाँ जमाए पूरा हवाई अड्डा में, उचित क्या है? और 3 दिन से खाना नहीं खाए। ये सरकार आतंकवादी नक्सलवादी ये ग्राम पंचायत को अब बना रहा है। लेकिन आपको कह दिया जाएगा कि आप कांग्रेसी हैं, विरोधी हैं, इसलिए मैं विरोधी नहीं हूँ, कोई विरोधी नहीं कर रहा हूँ। ये आतंकवादी नक्सलवादी बना दिया, पुलिस का हक छीन लिया, अब पुलिस का हक छीन लिया, योजना पूरा ठेकेदारी में कर दिया। अब पुलिस का शराब, पुलिस के लड़के बच्चों को शराब लगेगा तो यह सरकार 2023 में डामाडोल हो जाएगा। मैं डंके की चोट के साथ कहता हूँ, मुझे पार्टी लेवल से मतलब नहीं है, मुझे विकास से मतलब है। जो पुलिस वालों का नाम नहीं लिया गया, धन्यवाद नहीं दिया गया पुलिस वालों को, 3 दिन से परेशान है पुलिस वाले। और एक ड्राइवर जो रैली जमाया, पूरे मध्य प्रदेश का रैली ढोया, अपने जान की बाजी लगा के कोरोना काल में एक प्रांत से दूसरा प्रांत तक सवारी ढोता था। लेकिन आज उस मोटर मालिक को प्राथमिकता दिया गया, उनका 5 महीने का टैक्स माफ किया गया। अब हमारे ड्राइवरों को उपका के भर नहीं दिया है शिवराज सिंह चौहान। एक केवल नारियल लेके, केवल इसकी योजना नारियल भर रखा रहता है, बाकी इतना झूठा है कि जिंदगी में इसके जैसे झूठा। आज आए यहाँ पर इतने सारे, उन्होंने कुछ न कुछ जो है योजना बताया, आपके फायदे की कौन सी योजना बताया? ये योजना हमारे फायदे की नहीं है। अब ग्राम पंचायत को जानते हो, हर ग्राम पंचायत को फायदा होगा। किसी की लड़की दिन दहाड़े पकड़ा जाएगा, ग्राम पंचायत में 50,000 रुपया दे के उसकी जमानत हो जाएगी। और पुलिस वालों को हक छीन लिया है तो पुलिस वाले तो आएंगे नहीं ग्राम पंचायत के बिना पूछे। बिल्कुल, तो अब पुलिस वालों की अब डर खत्म हो जाएगा। तो अब तो दिन दहाड़े लौंडियाबाजी होगा, गुंडागर्दी सरकार का, अरे लौंडियाबाजी होगा, दिन दहाड़े लौंडियों को पकड़ेंगे, दिन दहाड़ों गाँव में लड़कियों को पकड़ेंगे। और इनकी जो महत्व है 2023 तक में, ये लोग, इनको घमंड जो हो गया है बीजेपी वालों को, ये सांसद और ये जो नरेंद्र मराबी है जो यहाँ का राजेंद्र ग्राम का, जी, इसकी 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 जमानत जब्त हो जाएगी और क्षेत्र में घूम नहीं पाएगा क्षेत्र में। बेहद जरूरी बातें आप कर रहे हैं कि अगर ग्राम पंचायत ने अगर सेटिंग बना ली तो वाकई में गुंडा राज ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलने वाला है। जो आपके द्वारा जो बातें की जा रही, मुझे भी लग रहा है कि जहां तक है तो जायज बातें आप कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं सर कि ये जो इतनी बातें कर गए, सैकड़ों योजनाएं बता गए, आपको क्या लगता है इसमें से कौन से आपके फायदे की? ये योजना एक भी कोई जनता के लिए फायदा के लिए नहीं है। ये केवल घूसखोरी अब ग्राम पंचायत में रहेगा। ले सरपंच 25,000 रुपया ले, मैं खे लड़कियों के पकड़े हूँ, ले सरपंच मैं अगर खेत जोत रहे हूँ ये ले ले, मैं तो ग्राम पंचायत में अब केवल सरपंच की कमाई होगी दिन दहाड़े, और इनको पब्लिक को कोई कमाई नहीं होगी, पब्लिक को घाटे घाटा रहेगा। सर के द्वारा जायज बातें कही जा रही कि लगातार पुलिस यहाँ पर लगभग पिछले 20 दिनों से लगी हुई है, एक एक जगह चप्पा चप्पा छान रही है कि यहाँ पर जो है कहीं बम तो नहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जहाँ की इनसे नुकसान हो। 20 दिन से पुलिस की ड्यूटी के बाद और लगातार जो है तो गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंचाई गई और गाड़ियां वाकई इतने, एक एक व्यक्ति यहाँ पर आया है तो उसके पीछे ड्राइवर ही था। लेकिन इन दोनों की बातों की अगर की जाए तो कहीं में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनका धन्यवाद अदा न करने की वजह से गुस्सा है, और करना भी चाहिए था क्योंकि उनके उनका खून पसीना है इसके पीछे। और अब जो है मैं आप लोगों को और आगे ले चलूंगा, और भी शायद कुछ लोगों से कुछ निकल रहा है और देखने को मिला। जी, हमारा बिजली का समस्या है, ये जानकारी फिर बताएंगे। जी, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को अपडेट कराने की आवश्यकता है, जो आप लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर योजनाएं आई, और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। गाँव में कई बार छोटे मोटे विवाद होते, छोटे मोटे झगड़े होते, बताओ झगड़े पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गाँव
पुलिस कहां काहे के लिए आए, और पुलिस आदमी तो कई बार फिर गड़बड़े होती है, इसलिए एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनेगी। छोटे मोटे विवादों का निवारण गांव में ही हो जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी। हम शांति और प्रेम से रहेंगे, हमारे बुजुर्ग फैसला कर देंगे और विवाद निपटा दिए जाएंगे। और एक बात और, अगर किसी थाने में हमारे गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, FIR की जाएगी, तो गांव की ग्राम सभा को सूचना देनी पड़ेगी थाने को, इसके खिलाफ FIR लिखी झूठी फूटी नहीं चलेगी FIR। बोलो सही बात है कि नहीं, अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं। अब ये नहीं चलेगा कि मनमानी लिख ली और बाद में पता चला उनने कोई गलती नहीं की थी। और इसके साथ मेरे बहनों और भाइयों, मेले का और बाजार का प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। स्कूल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मां साहब आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तनख्वाह ले रहे, स्कूल ग्राम सभा करेगी। बोलो सब करोगे, जोर से बताओ सब करोगे, मिलकर करेंगे, हमारा भाग्य और हम इस सब बनाएंगे। और इसलिए आज का दिन एक सामाजिक क्रांति का दिन है मेरे बहनों और भाइयों। आइए हम इन अधिकारों को नए इनका उपयोग करें। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। एक बात और, जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हैं उनको भरने का हम काम कर रहे हैं। मैं उन चीजों को विस्तार से नहीं जाता, लेकिन एक चीज हमने और करी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अभी तक मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बोलो हमारे बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? तो मध्य प्रदेश ने तय कर दिया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी। होना चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू बन्ना कल्लू लल्ला बन्ना, तेरे बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनेंगे। नया जमाना आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में अभी राष्ट्रपति मैडम ऐसे डॉक्टरों से मिलकर आई है, नीट की परीक्षा देकर जो बनने वाले हैं। हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कमाने वाले खाएंगे, आगे हमारे बच्चे बढ़ेंगे। मैं आप सबको इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाइयां देता हूँ। सरकार पैसा कोऑर्डिनेटर बना के लगातार प्रचार करेगी और यात्राएं निकलेंगी। अभी 5-5 यात्राएं 20 तारीख से निकल रहे हैं। अत्यंत गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र भूको, सबको समझाओ कि पैसा में क्या क्या अधिकार मिल गए हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मेरे बहनों और भाइयों, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। कांग्रेस वर्षों तक कहती रही उन्हें अधिकार नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अधिकार दिए हैं और इनको अब नीचे तक हम ले जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, सामाजिक समरसता के साथ पैसा सामान्य वर्गों पिछड़ा वर्गों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनजाति को मजबूत करने के लिए है। और गाँव में जितनी जातियां रहती है ग्राम सभा में सब सम्मिलित रहेंगे। आइए मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि पैसा को नियमों को लागू करने के लिए हम खुद भी जागरूक रहेंगे और सबको जागरूक करने का काम करेंगे, अधिकार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की और भगवान बिरसा की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की, रानी दुर्गावति की, टंडा मामा की, भीमा नायक की, रानी कमलापति की और सभी बहनों भाइयों की। 20 तारीख से यात्राएं शुरू होगी। 4 तारीख को टंटे मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में समाप्त होगी और इंदौर में फिर मिलेंगे। एक बार फिर तालियां बजाकर राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
तो तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा आप लोगों से और मिलता हूँ कुछ एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे शहडोल से, बहुत बहुत धन्यवाद।